डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम दियां मुश्किलां दे विच इजाफा हो गया। बेअदबी मामलों के नाल जुड़े तीन केसां दे विच गुरमीत राम रहीम दे उत्ते मुकदमा चलेगा। पंजाब सरकार ने केस चलाउण नूं हरी झंडी दे दित्ती है। राम रहीम के खिलाफ FIR नंबर 63, 117 अते 128 का केस चलेगा। तो इस मामले दे विच तीन FIR, तीन वखो वख मामले जिस दे विच गुरमीत राम रहीम किरिया होया है। हालांकि इस तो पहला हाई कोर्ट के वलों राहत दी गई सी, रोक लगा दी गई सी, पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस स्टे नूं हटा दिता। तो सुप्रीम कोर्ट तो बाद हुण पंजाब सरकार ने राम रहीम के खिलाफ बेअदबी मामलों के कार्रवाई देते हुक्म। रोहतक की सुनारिया जेल के बंद है गुरमीत राम रहीम, पैरोल के उत्ते बाहर आया सी, सज़ा जाब्ता है गुरमीत राम रहीम। फिलहाल गुरमीत राम रहीम की मुश्किल जिहड़ी है वो वध गई है। तो मेरे सहयोगी इस खबर के उत्ते वधेरे जानकारी दे नाल जुड़े ने रविंदर मीत। तो रविंदर मीत का रुख कर लैंदे आ। रविंदर, जिस तरीके दे नाल बेशक गुरमीत राम रहीम तो मेरे सहयोगी रविंदर मीत जुड़े हुए ने, रविंदर जिस तरीके दे नाल गुरमीत राम रहीम नूं बेशक राहत मिली सी हाई कोर्ट तो, पर सुप्रीम कोर्ट ने राहत खत्म की, एक झटका पहला ये लग्या तो हुण पंजाब सरकार एक्शन दे विच है, एक दूजा झटका गुरमीत राम रहीम नूं ये दूजा लगता होया नज़र आया है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर यह झटका एक वड्डा झटका भी मनिया जा सकता है, क्योंकि तीन FIR जिहड़ियां दर्ज कीतियां गईयां सी उन्हां तिना FIR दे विच सैंक्शन जिहड़ी हैगी आ उह दे दित्ती गई आ। गृह विभाग वल्लों यह सैंक्शन दित्ती गई आ। हुण पुलिस अगे इस मामले दे विच नामजदगियां करके जिहड़ी इसकी जांच है अगे शुरू करनी। हालांकि जिवें तुसीं जिक्र भी कीता कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा चार दिन पहले ही, इस मामले दे विच जिहड़ा जिहड़ियां स्टे लगी हुई सी हाई कोर्ट वल्लों लगाई गई सीगी, तो उह स्टे हटा दित्ती गई। ते नाल नाल जिहड़ा हैगा जिहड़ी गृह विभाग वालों इस मामले दे विच सैंक्शन भी दे दी गई है। तो हुण की पंजाब दे विच लिआंदा जाएगा, लिया के गुरमीत राम रहीम तो आके पुछगिछ की जाएगी, या फिर सुनारिया जेल दे विच ही इस मामले दे विच जांच जिहड़ी है पुछ पड़ताल की जाएगी, ये आने वाले समय दे विच कानूनन तौर पर जिहड़ा तय किया जाएगा। क्योंकि मामला काफी वड्डा हैगा, 9 साल पुराना यह मामला हैगा। जदों कोटकपुरा दे विच जिहड़ा हैगा वह गोलीकांड होया सी, या फिर उस तो पहला सब तो पहला जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब की चोरी हुई, उस तो बाद गुरु ग्रंथ साहिब के जिहड़े पवित्र अंग है वह गलियां दे विच खिलारे गए, पोस्टर लगाए गए। रविंदर, तुसीं साडे नाल बने रहो। साडे नाल डेरा सच्चा सौदा के वकील जतिंदर खुराना जुड़े ने। तो जतिंदर जी, जिस तरीके दे नाल फिलहाल एक झटका जिहड़ा वह कह सकते हैं कि यह लग्या पंजाब सरकार ने केस चलाउण नूं हरी झंडी दे दित्ती है, तो की तुसीं कानूनी प्रक्रिया दे विच फिलहाल इस पूरे मैटर दे विच रहे हुए? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंगों की जो बेअदबी की घटना हुई, बहुत ही मंदभागी घटना है। जिसने भी ऐसा किया है उसको सजा जरूर से जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन किसी साजिशवश इसको इसमें किसी निर्दोष को नहीं फंसाना चाहिए। और जहां तक बात है पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी की, तो हम आपको बता दें कि पूज्य गुरु जी द्वारा हमेशा से ही सभी धर्मों का आदर सत्कार किया गया है और ऐसा ही करने की प्रेरणा भी दी गई है। तो वेद भी करने की तो डेरा सच्चा सौदा या डेरा सच्चा सौदा के कोई भी श्रद्धालु या पूज्य गुरु जी द्वारा सोचा भी नहीं जा सकता। तो हमारी आपसे आपके चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि किसी निर्दोष को इसमें नहीं फसाया जाना चाहिए। जतिंदर जी, क्योंकि हाँ जी, तुसी निर्दोष दस रहे हो, पर इस पूरे मैटर नु अदालत दी ब्रूहां तक किवें नजिठोगे, की आधार बनाओगे, की ग्राउंड मेरे रहेगा तुहाडे कोल? हालांकि गुरमीत राम रहीम पहला तो ही सजा जाब्ता है। जी जी, मैं आपको देखिए, जो पहले वाले केस है उनका इन केसों से कोई लेना देना नहीं है, ना ही आपस में कोई इंटरलिंक्ड केस है। ठीक, अब जो ये बेअदबी की जहां तक केसों की बात है, 2015 में जब ये घटना हुई इसकी जांच स्टेट ऑफ पंजाब की SIT द्वारा शुरू की गई, और स्टेट ऑफ पंजाब द्वारा ही एक नोटिफिकेशन जारी करके ये केस सीबीआई को सौंप दिए गए और कहा गया कि इसकी जांच CBI द्वारा की जाए। जब CBI ने इसकी केसों की जांच शुरू की और उन्होंने साइंटिफिक तरीके से इसकी जांच की, ऑन रिकॉर्ड की बात है, ये ऑन रिकॉर्ड की चीजें हैं सभी जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब साइंटिफिक जांच CBI द्वारा की गई, जिसमें लाई डिटेक्शन टेस्ट भी किए गए, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट भी, जो पोस्टरों की बात चल रही है कि पोस्टरों पे हैंडराइटिंग थी वो भी टेस्ट की गई, जब ये सारी साइंटिफिक जांच CBI द्वारा की गई, तो CBI ने ये पाया
कि डेरा सच्चा सौदा के किसी भी श्रद्धालु का या पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी हिंसा जी का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, बेअदबी करवाने में उनका कोई हाथ नहीं है। उसके बाद ही सीबीआई ने एक क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई कोर्ट मोहाली में दायर की। जैसे ही स्टेट ऑफ पंजाब को यह पता लगा कि सीबीआई द्वारा ये सच्चाई की जांच, ये सत्यता पे जांच कर दी गई है, उसके बाद ही स्टेट ऑफ पंजाब ने उस नोटिफिकेशन को विथड्रॉ करके और एक झूठ का पुलिंदा तैयार करने के लिए उस केसों को वापिस एसआईटी को सौंप दिया, जो कि नहीं सौंपा जा सकता था। इसी को लेकर पूज्य गुरुजी द्वारा माननीय हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की गई। जब ये सारे तथ्य माननीय हाई कोर्ट के समक्ष रखे गए तो माननीय हाई कोर्ट ने उन सारे तथ्य, बिल्कुल जतिंदर जी कहते ना कहते पूरा मैटर जेड़ा है वो अदालत दे विच पहुंचेगा, अदालत तय करेगी कि कौन दोषी है ते कौन निर्दोष, ये फैसला अदालत का होएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचार रखने के लिए। तो मेरे सहयोगी रविंदर मीत भी जुड़े हुए हैं। तो रविंदर, जिस तरीके दे नाल फिलहाल ये अपना पक्ष है गुरमीत राम रहीम दे वकील जा डेरा सच्चा सौदे दे वकील दा, पर फिलहाल ये मैटर जिहड़ा है वो अदालत दे विच पहुंचेगा, इस मुकदमा चलेगा तो मुकदमे तो बाद तय होएगा, अदालत का फैसला तय करेगा कि कौन जिहड़ा दोषी है जां कौन निर्दोष है। पर यह पूरा मैटर सरकार दे लई तां गले दी हड्डी सीगा हुण तक, पर सरकार भी हुण कितना कितने रिलीफ महसूस करदी होएगी। बिल्कुल, देखो रिलीफ की गल तो आने वाले समय के स्पष्ट होगी, क्योंकि हाले तक इन मामलों के इंसाफ नहीं मिलिया। जो सिख संगत हैगी सिख सभावां दे विच जिस तरीके दी चर्चावां चल रही उहदे विच सरकार भी कितने ना कितने घिरदी हुई नजर आई है, क्योंकि पिछले दिनों विधानसभा दे विच जदों मसला उठा सीगा खुद अपने ही आम आदमी पार्टी के MLA कुंवर विजय प्रताप वालों अपनी सरकार दे उत्ते बड़े सारे सवाल जिहड़े आ चक्के गए सी पिछले दिनों दे विच। तां सरकार विधानसभा के अंदर घिरदी हुई उदों भी नजर आई जदों LOP जिहड़े हैगे विधानसभा के अंदर प्रताप सिंह बाजवा उन्होंने सवाल चके कि सेंशन क्यों नहीं दी जा रही, आखिरकार की कारण हैगा कि सरकार सेंशन देने तो कतरा रही है। तो हुण मामले दे विच चाहे सेंशन मिल चुकी है लेकिन इंसाफ की उड़ीक हाले भी हो रही है, क्योंकि मामला कानूनी हैगा, कानूनी मामले दे विच हुण अगे पुछगिछ जदों की जाएगी उहदे तो बड़ा कुछ स्पष्ट होगा। हालांकि डेरे वालों ये गलबात स्पष्ट तौर पर एडवोकेट उन्होंने कहते हुए नजर आए ने कि रोल नहीं है, लेकिन यह रोल तो उदो पता लगेगा जदों जांच होगी पुछगिछ होगी, क्योंकि जी FIR दर्ज हुई ने 3 FIR तो उन्होंने FIR जो गलत की गई दस गए चीजा तो स्पष्ट जरूर होंगे कि कितने ना कितने कोई ना कोई रोल जरूर होगा। तो हूं यह कानून तौर पर जो जांच होगी इस मामले के बिल्कुल रविंदर, जांच तो बाद ही असल तत्थ जोड़े ने सामने आने। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल जानकारी साझी करने के लिए। तो गुरमीत राम रहीम जिसन झटका लगे, हालांकि इस तो पहला कई मामलों के सज़ा जाब्ता है गुरमीत।